तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान की डे टू की फाइनल रिपोर्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। तो अभी पूरी एक एक करके बात करेंगे कि डे टू में कैसी क्या ग्रोथ रही है, मॉर्निंग में कैसा रहा, इवनिंग में कैसा रहा, आफ्टरनून में कैसा रहा, नाइट में कितनी कलेक्शन करी, हिंदी से कितना कमाया, तमिल तेलुगु से कितना कमाया, नेशनल चेन्स में कितनी कमाई करी, ओवरसीज से कल कितना आंकड़ा सफल हुई लाने में, सारी बात करेंगे एक एक करके। लेकिन एक हिस्ट्री, जबरदस्त हिस्ट्री क्रिएट करी गई है जवान के द्वारा अपने डे टू में, कैसे कि मॉर्निंग और जो आफ्टरनून का ऑक्यूपेंसी रेट था उस दोनों को ऐड करके नाइट में 20% ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिला। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं, मॉर्निंग और आफ्टरनून के ऑक्यूपेंसी रेट को, फिर भी तो एक अलग लेवल का रुझान चल रहा है। मतलब जवान अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ कर रही है, अनएक्सपेक्टेड हिस्ट्री क्रिएट कर रही है, जो कभी सोचा भी नहीं था। तो यहाँ हेटर्स ना एक बार के लिए सुबह बहुत खुश हो चुके थे कि यार डे टू में एकदम देखो आधे से भी नीचे आंकड़ा नीचे आ गया। मतलब डे वन पे जहां हिंदी में 65 करोड़ कमाए थे, तो ये लोग हेटर्स यहां सोच रहे थे कि 30-35 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी मूवी आज डे टू पे। लेकिन सबके छक्के छुड़ा दिए, इवनिंग से पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया मूवी ने। तो बात करते हैं, ज़्यादा समय ना खपा कर एक एक करके सारी चर्चा करी जाएगी। शुरुआत करेंगे मॉर्निंग में कितनी ऑक्यूपेंसी रेट थी। 18% की मॉर्निंग से खाता खोला था 18% की ऑक्यूपेंसी रेट के साथ, और आफ्टरनून में ये आते आते 31% तक हो गई थी। इवनिंग में 20% की और उछाल मारकर 50% की ऑक्यूपेंसी रेट हो चुकी थी, और यहाँ पर आंखें चौंधियाने लग गई थी हेटर्स की। नाइट में आते आते 21% की और बढ़ोतरी करी, 71% की ऑक्यूपेंसी रेट रही नाइट में। कल डे टू में धमाका मचा दिया, बाय गॉड। मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों को मिला के 51% की ऑक्यूपेंसी रेट होती है, उसको बीट डाउन करके नाइट में 20% मोर ऑक्यूपेंसी रेट अपने खाते में रखी नाइट में। फुल हाउसफुल शो चल रहे थे, मतलब टिकट मिल ही नहीं रहे थे, बाय गॉड। इसी के साथ नेशनल चेन्स में भी अलग लेवल का धमाका काटा है। मतलब KGF 2 के फर्स्ट डे के रिकॉर्ड को डे टू में खदेड़ा, और वॉर मूवी के डे वन के कलेक्शन रिकॉर्ड को नेशनल चेन्स में डे टू में खदेड़ा, है ना। तो बात अगर नेशनल चेन्स की करें तो PVR और INOX को मिलाकर डे टू में किया है 17.90 करोड़ के आसपास। सिनेपॉलिस में 4.55 करोड़ का टोटल कलेक्शन किया, और तीनों का मिला के सेकेंड डे पर 22.5 करोड़ का कलेक्शन रहता है एंड ऑफ द डे तक, कल डे टू में। तो KGF ने फर्स्ट डे में नेशनल चेन्स से कितना किया था, 22 करोड़ के आसपास। वॉर ने किया था 20 करोड़ के आसपास। तो डे टू में जवान ने कितना किया, 22.5 करोड़। तो यहां पर डे वन के इन दोनों दिग्गज फिल्मों को खदेड़ा है डे टू में जवान ने, गजब लेवल की तबाही देखने को मिल रही है, बाय गॉड। ऐसी कोई उम्मीद थी ही नहीं मूवी से डे टू में। जब इसने शुरुआत करी थी तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज इतनी ज्यादा कमाई करेगी, लेकिन डे टू में अच्छा खासा रिकॉर्ड अपने नाम करके गई, आंकड़ा अपने नाम करके गई। दूसरा, हिंदी से पूरे दिन में मूवी ने लगभग 47 करोड़ के आसपास कमाई करी है, और तमिल और तेलुगु को मिलाकर कल सेकेंड डे में 7 करोड़ के आसपास कमाई करते नजर आई है। साउथ से भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो तीनों लैंग्वेज को मिलाकर अगर मैं बताऊं तो डे टू में कितना कलेक्शन करा है नेट कलेक्शन में, नेट इंडियन कलेक्शन में 54 से 55 करोड़ के आसपास करा है। अभी भी कुछ एक जगह से ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, तो मैं फिलहाल के ऑफिशियली मान के ये चल रहा हूं, और ऊपर से भी जो ट्रस्टेड सोर्सेस हैं वो भी ऑफिशियली ये मान के चलने की लगभग 55 करोड़ का हिंदी से डे टू का कलेक्शन रहा है जवान का। इसी के साथ डे टू का अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 70 करोड़ के आसपास ये टच करता है, बाय गॉड, इट्स अ ह्यूज नंबर। इसी के साथ ओवरसीज में जो धमाल मचा रही है, बाय गॉड, तबाही है। USA से डे वन से ज्यादा कलेक्शन किया है जवान ने डे टू में। इसी के साथ एक चीज बताना चाहूंगा, जवान ने वैसे तो पठान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ओपनिंग डे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन डे वन में USA से कमाई के मामले में पीछे रहा जवान पठान से। खैर कोई ना, सेकंड डे जबरदस्त हिट कर रही है USA में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी हिट करा जबरदस्त, फिर UK में और गल्फ कंट्रीज में तो धुआंधार कमाई चल ही रही है, और भी बाकी देशों को मिलाकर जवान का सेकंड डे का ओवरसीज कलेक्शन रहा है 37 करोड़ के आंकड़े के आसपास, जो डे वन के पठान के 37 करोड़ के आंकड़े को टच करता है। तो जवान ने डे वन पर बराबरी ही करते नजर आ रही है, बिल्कुल। जी दोस्तों, अब मैं अगर आपको टोटल बताऊं, नेट इंडियन कलेक्शन 55 करोड़, ग्रॉस कलेक्शन 70 करोड़, ओवरसीज कलेक्शन 37 करोड़, डे टू का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना रहा है, भाई साहब लगभग 107 करोड़ के आसपास सेकेंड डे में होल्ड करके बैठी है जवान कल एंड ऑफ द डे तक। अमेजिंग, सेकेंड डे भी नॉन हॉलीडे में 100 करोड़ क्रॉस किया है जवान। हर दिन हिस्ट्री क्रिएट कर रही है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले पूरे 10 दिन तक जवान हिस्ट्री क्रिएट करती रहेगी। तो आज सैटरडे है,
सैटरडे को कैसी ग्रोथ है भाई, तबाही वाली ग्रोथ है, नो डाउट। आज तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट डे के रिकॉर्ड को ना टच कर जाए कहीं, तो चैनल से जुड़े रहना। आज रात में फाइनल डे 3 का अर्ली बॉक्स ऑफिस की फाइनल प्रिडिक्शन पर बात जरूर करेंगे, उस पर वीडियो एक अलग से अपलोड कर दी जाएगी, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आज पूरे दिन में कितनी कमाई कहाँ से करी है, कहाँ कहाँ से कितना कलेक्शन आया है, हिंदी से कितना आया, तमिल से कितना आया, ओवरसीज से कितना आया। तो डे 3 के फाइनल प्रिडिक्शन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आज जरूर बात करेंगे रात की वीडियो में। तो आपको क्या लगता है और आपका क्या कहना है, आज डे 3 में 120 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करते नजर आएगी या नहीं मूवी जवान, और अगर आपने जवान को देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।